Welcome back, dear students. EJMT 6th semester. Last time we have done lecture 1 of paper writing for radio and TV, unit 1. The topics were radio and introduction, history and growth. There we have discussed about what are the meant of radios, what exactly the radio is, how it has been started, and what period it has been started. History of radio we have done, and today we are going to discuss about lecture 2, characteristics of radio. Now, what are the basic characteristics of radio should be? That is very much important to understand. First point, radio makes pictures. How? While listening to the contemporary of the cricket match or Republic Day period in radio, we generally used to visualize all those scenes in our mind. Along with hearing, you use your imagination skills to react things visually in your mind. So this is the first point. Radio makes pictures. किस तरीके से पिक्चर क्रिएट करती है रेडियो. एज वी ऑल नो कि दैट रेडियो इज अ मीडियम ऑफ मोड फ्रॉम वेयर यू ओनली लिसन द थिंग्स. वी कैन नॉट विजुअलाइज एनी थिंग्स. बट वट हैपन्स वाई लिसनिंग टू द कमेंट्री ऑफ द क्रिकेट मैच. जब हम किसी भी क्रिकेट मैच के बारे में या फिर कोई नेशनल फेस्टिवल के बारे में, रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, जब हम कोई भी कमेंट्री सुनते हैं in the period of that time in radio, तो we generally used to visualize those scenes in our mind. हम अपने दिमाग में कुछ scenes create कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा जो commentary हो रही है उसके according हमारी imagination चलने लगती है. And along with hearing, you use your imagination skills to react things visually in your mind. Second point, the speed of radio. अब रेडियो की क्या स्पीड है, किस स्पीड से, किस मीडियम आपको आप तक चीज़ों को पहुंचा रहा है वो, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो रेडियो इज़ द फास्टेस्ट मीडियम. इट इज़ इंस्टेंट. एज थिंग्स हैपन इन अ स्टूडियो और आउटसाइड, मैसेज कैन बी सेंट और ब्रॉडकास्ट रैंडमली. सो दिस मैसेज कैन पिक अप बाय एनीवन हु हैज़ अ रेडियो सेट और अ रिसीवर which is tuned into the radio station. So whatever the message is being has to be derived from other places or any of the outside or inside of the studio, any kind of, any sort of news that can be sent randomly to the studio, and a person who is on the set, radio set, or anyone can receive and tuned on into the radio station. कोई भी मैसेज अगर आपको देना है तो आप तुरंत ब्रॉडकास्ट कर सकते हो उसको. अगर रेडियो सेट पर हैं हम तो वहाँ पर रिसीव करते ही तुरंत ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है. सो दैट इज़ द स्पीड ऑफ रेडियो. रेडियो जो है सबसे फास्टेस्ट मीडियम कहलाया जाता है अपने कम्युनिकेशन का. देन सिंप्लिसिटी ऑफ रेडियो. इट नीड्स वेरी सिंपल इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी. बहुत ज़्यादा हार्श टेक्नोलॉजीज़ नहीं है रेडियो में. इसको सिर्फ और सिर्फ बहुत कम इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं. दैट इज़ द साउंड मिक्सचर, मिक्सर होना चाहिए आपका. देन ऑल रेडियो टूल्स, माइक, हेडफोन एंड वट एवर द मेन इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आज यूज्ड. बट कंपैरेटिवली अगर हम बात करते हैं टीवी से, तो टेलीविज़न के जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो बहुत हाईफाई है और इतने सिंपल नहीं होते हैं जितने रेडियो के होते हैं. तो रेडियो के जो इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, दे आर कंपैरेटिवली वेरी मच सिंपल. देन रेडियो इज़ इनएक्सपेंसिव. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है रेडियो. इट इज़ द चीपेस्ट मीडियम. कोई भी लो कॉस्ट एरिया में भी आप अगर जाते हो, विलेजेस में जाते हो या कहीं भी जाते हो, इवन ऑन द शॉप वेंडर्स ऑफ टी स्टॉल्स, any of person who want to buy radio, छोटे से बड़े सब का साइज़ का,
रेडियो अवेलेबल होता है एंड इट कैन बी ब्रॉट फॉर से फ्रॉम 50 to 100 रुपीज़ ऑल्सो, तो बहुत चीप होता है. इट इज़ द वेरी चीपेस्ट मीडियम फॉर एनी ऑफ द पर्सन. देन रेडियो डज नॉट नीड एनी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई. रेडियो को हर वक्त एक इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं ज़रूरत होती है. इट कैन वर्क इवन ऑन द ड्राई बैटरी सेल्स ऑल्सो. जो बैटरीज आती है, ड्राई बैटरीज विच वी यूज पुट अप ऑन द क्लॉक्स एंड एनी ऑफ द टॉयज ऑन द रिमोट कंट्रोल्स, सो दोज बैटरी कैन ऑल्सो वर्क फॉर इट. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर वक्त उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिले तभी उसका काम हो. अ रेडियो रिसीवर इज पोर्टेबल. इट कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर. पोर्टेबल होता है, कहीं से भी काम हो सकता है उसका, आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हो. तो इट इज़ वेरी सिंपल. वन डज नॉट हैव टू लिटरेट टू लिसन टू रेडियो. किसी को भी इतना ज़्यादा लिटरेट नहीं होना पड़ता है. गांव का इंसान भी सुनता है रेडियो और अपनी भाषा में उसको समझता है, क्योंकि यू कैन लिसन टू द रेडियो इन योर ओन लैंग्वेज. आप अपनी भाषा में उसको सुनते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सुनने के लिए दैट यू पीपल हैव टू बी वेरी मच एजुकेटेड. बहुत समझने के लिए आपको पढ़े लिखा होना चाहिए, इलिटरेट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं. सो देर इज़ नो नीड टू बी अ लिटरेट पर्सन फॉर इट. देन अफोर्डेबल इवन टू द लीस्ट इनकम ग्रुप ऑफ पीपल. हर जो लीस्ट इनकम है, जिनकी बहुत नहीं कमाते हैं, ज़्यादा उनकी अच्छे नहीं है इनकम, तो उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी ये अफोर्डेबल है कि वो उसको खरीद ले और उसका कम्युनिकेशन मीडियम बना सके, जिससे कि उनको अपडेट रह सके, अपनी चीज़ों को जान सके. रेडियो इज़ द बेस्ट मीडियम ऑफ इंटरटेनमेंट. इट प्रोवाइड्स हेल्दी इंटरटेनमेंट टू द लिसनर्स. रेडियो जो है एक बेस्ट मीडियम है इंटरटेनमेंट का, और वो इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक हेल्दी इंफॉर्मेशन भी देता है. जो भी व्यक्ति उसे सुन रहा है, बहुत कुछ खास बातें भी बताई जाती हैं उस पर. सो इट इज़ नॉट ओनली द मीडियम ऑफ इंटरटेनमेंट, इट ऑल्सो गिव यू मच ऑफ द नॉलेज ऑल्सो. देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ म्यूजिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल टू द पीपल. नेचुरल है, वैन वी आर ऑन एयर, तो वहाँ पर आपको बातों के साथ साथ सबसे ज़्यादा म्यूज़िक सॉन्ग्स का ज़्यादा एफर्ट्स मिलेगा. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेलेबल टू द पीपल सॉन्ग इज़ देयर, प्लेंटी ऑफ सॉन्ग्स आर देयर. द पॉपुलर टाइप्स ऑफ म्यूजिक आर लाइक क्लासिकल लाइट डिवोशनल फोक एंड फिल्म म्यूजिक. सो दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेडियो विच इज़ वेरी मच इन ट्रेंड एंड इट्स वेरी इजी फॉर एवरी पर्सन टू गेट कम्युनिकेटेड विद इट. Then we are moving to the topic, challenge to the radio from TV and other medium. So challenge to the radio from TV and other medium is what? These are attributed to the high operating cost, challenges with generating venue, poor governance of community media projects, and lack of financial management skills at community broadcaster, difficulty in generating content, problem with the filling critical vacant post, and adapting to the technological advancement. Now what happens, jo challenge hai radio ko jo mila hua hai from TV and other medium of modes of the communication, kya challenge hai ki kis tarike se इन दोनों के स्तर पे रेडियो कहीं ना कहीं अभी लैग है. और वो क्यों लैग है, क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती हैं बाय रेडियो, सो देयर आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड. इट्स लाइक दीज आर एट्रिब्यूटेड टू हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट. हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है. चैलेंजेस विद जनरेटिंग रेवेन्यू, पुअर गवर्नेंस ऑफ कम्युनिटी मीडिया प्रोजेक्ट, इन सारी चीज़ों को ये फेस अप करता है. लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स है इसमें. कम्युनिटी ब्रॉडकास्टर की कमी है कहीं ना कहीं. डिफ़िकल्टी इन जनरेटिंग कंटेंट, बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है. प्रॉब्लम्स विथ फिलिंग क्रिटिकल वैकेंस एंड पोस्ट, कि कहाँ से जो इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं उनको कैसे फिलअप किया जाए.
because much of the people are hardly take interest to be in this and adapting to the technological advancement. जो technological advancement है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जो उसके equipments या कुछ भी हो, तो वहाँ पर कुछ कमियों के होने की वजह से एक चैलेंज फेस करता है रेडियो. प्रॉब्लम्स जो सबसे ज़्यादा एक कॉज बन सकती है चैलेंज टू द रेडियो फ्रॉम अदर मीडिया, वो ये है कि मैनी फैक्टर्स इम्पेयर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन और रिसेप्शंस ऑफ रेडियो सिग्नल्स. जो रेडियो के सिग्नल्स हैं वो सबसे बड़ा इशू है. जैसे ही आप किसी एक ऐसे ट्रैजिक रूट पे जाते हो जहाँ पे सिग्नल सैटेलाइट की कहीं कुछ कमी है, गड़बड़ा रहा है मामला, सिग्नल कैच नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपका रेडियो चलते चलते ऑटोमेटिक डिस्टर्बेंस मोड पे आ जाता है. सो मैनी फैक्टर्स इम्पेयर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन और रिसेप्शंस ऑफ द रेडियो सिग्नल्स. द मोस्ट कॉमन इश्यूज आर रेडियो इंटरफेरेंस. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो आपके रेडियो में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा क्रिएट करता है प्रॉब्लम कि दैट इट इज़ नॉट ईजी बी टू कैचेबल. आप ट्यून इन करते हो तो ट्यून इन करने के बाद भी देर इज़ अ काइंड ऑफ वेरी मच डिस्टर्बेंस वाइल ट्यूनिंग. तो कहीं केबल प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं भी एंटेना प्रॉब्लम्स आती है, तो कहीं ना कहीं रेडियो की ये जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये क्रिएट करती है रेडियो सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स. द बिगेस्ट थ्रेट टू द रेडियो इज़ मायोपिक लीडरशिप. वी आर इन द पीरियड ऑफ रिमार्केबल ग्रोथ. जब हमें पता है कि दैट वी आर इन द 21st सेंचुरी और वहाँ पर टेक्नोलॉजीज आर इम्प्रूविंग डे बाई डे, वी आर इन अ वेरी रिमार्केबल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, येट सो मैनी लीडर्स बिलीव दैट देयर जॉब इज़ टू डिफेंड रेडियो. रेडियो को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है जितना कि मीडिया के लोग जो हैं, टेलीविज़न या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ पे जो इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है वो रेडियो को कहीं ना कहीं इतनी नहीं मिल पाती. सो इट इज़ जस्ट गेटिंग डिफेंड फ्रॉम इट. द इंडस्ट्री नीड्स लीडर्स. अपनी इंडस्ट्री को लीडर्स की ज़रूरत है हु स्पेंड मोर एनर्जी पर्सुइंग ग्रोथ. जो अपनी इन चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस अप कर सके, उन्हें देख सके और कहाँ पे टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको देख करके उसे परस्यू कराएं, ग्रोथ करें उसकी. सो द इंडस्ट्री नीड्स लीडर्स हु सी द डैशबोर्ड्स, पॉडकास्ट, स्मार्ट स्पीकर्स एज अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ थ्रेट्स. जहाँ पे कहीं कुछ कमियाँ आ रही हैं जैसे एंटेना, सिग्नल प्रॉब्लम्स या एनी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो भी सपोर्टिव ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहा है, तो उसको देखने के लिए वी शुड हैव अ बेस्ट टू बेस्ट इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड अ लीडर क्वालिटी, अ पर्सन हु कैन होस्ट ऑल थिंग्स. इन सारी चीज़ों को जो परस्यू कर सके, देख सके और उसके बाद उनकी कमियों को पूरा कर सके. इट नीड पीपल हु ट्रूली अंडरस्टैंड एंड एसेट्स एंड टूल टू लेवरेज देमसेल्व्स इनटू मच ब्रॉडर बिजनेस दैन टेरिटोरियल रेडियो. जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि वन लीडर शुड बी सो मच एजुकेटेड इन दिस फील्ड हु कैन अंडरस्टैंड ईजिली कि कहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस तरीके से और बढ़ाया जाए जो बिना डिस्टर्बेंस के बहुत अच्छे से चल सके. सो वट आर द थिंग्स कैन बी डन फॉर द ब्रॉडर बिजनेस, वी नीड अ परफेक्ट लीडर फॉर इट. देन इट इज़ अ नॉन विजुअल मीडियम. सबको पता है कि दैट रेडियो इज़ अ नॉन विजुअल, हम कुछ भी उस पर देख नहीं सकते हैं. इट इज़ द ओनली मीडियम थ्रू विच वी कैन लिसन एंड अंडरस्टैंड वॉट इज़ गोइंग ऑन थ्रू आउट अवर एरिया. इट रिक्वायर्स अ फुली डेवलप्ड नेटवर्क. रेडियो पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि उसको कहीं ना कहीं बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है. नेटवर्क सिग्नल्स प्रॉपर होने चाहिए so that it can be afforded the good quality sound without any disturbance. अच्छी क्वालिटी लाने के लिए, without any disturbance के लिए, इसको बहुत ज़रूरी है कि development area के चीज़ों में देखा जाए. The knowledge of local language is essential. बहुत ज़रूरी है हर area के radio systematic को बढ़ावा देने के लिए और अच्छे से growth करने के लिए
लैंग्वेज वर्क इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जो भी डील अप कर रहा है रेडियो में, दैट शुड हैव अ परफेक्ट लोकल लैंग्वेज, क्योंकि जो भी एरिया में आपका रेडियो है वहाँ के लोगों को ज़रूरी नहीं है कि टिपिकल हिंदी आती हो. समबडी इज़ बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द विलेज, किसी गांव को बिलोंग कर रहे हैं या किसी चीज़ किसी और एरिया से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी होती है कि लोकल लैंग्वेज की नॉलेज एक आरजे को होनी बहुत ज़रूरी है. जो एक रेडियो जॉकी है, इट शुड हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ लोकल एरिया. हर आरजे को डीलअप करना चाहिए पर्टिकुलर एरिया से कि ये सारे एरियाज़ मेरे हैं और मैं इनको डीलअप करूँगा बिकॉज आई नो एनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ दिस. सो इन दिस वे वी कैन इम्प्रूव अवर ग्रोथ ऑफ रेडियो. जो भी प्रॉब्लम्स फेस करी जा रही हैं, जो भी चैलेंजेस हैं रेडियो को फ्रॉम टीवी एंड अदर मीडियम्स, दे कैन ऑल बी इम्प्रूव्ड, बट इट नीड्स अ वेरी क्लासिकल लीडरशिप जहाँ पे चीज़ों को फेस किया जा सके और उसको एक स्ट्रेंथ पावर देकर के समझा जा सके एंड ग्रोथ किया जा सके. सो हेयर इट्स ऑल फॉर टुडे. इन द लेक्चर 2 वी हैव डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो एंड द चैलेंजेस ऑफ रेडियो विच आर बीइंग फेस्ड बाय द टीवी फ्रॉम रेडियो फ्रॉम टीवी एंड फ्रॉम द अदर मीडियम. तो किस तरीके से कहाँ क्या दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करने के लिए चीज़ों को हमने समझा कि कहाँ कैसे हो सकता है. सो इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी गिविंग यू समथिंग वेरी डिफरेंट. वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन जस्ट गो थ्रू दिस वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज नोट्स. थैंक यू क्लास.